देश प्रदेश देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। हिमाचल प्रदेश में 5 साल बाद एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बन गई है। मुख्यमंत्री की रेस में हालांकि कई नाम शामिल थे, लेकिन आलाकमान ने सुखविंदर सिंह सुक्खू पर भरोसा जताया। उनसे बात की हमारी संवाददाता प्रिया बवेजा ने, सुनिए। हिमाचल प्रदेश के इलेक्टेड ब्रांड न्यू चीफ मिनिस्टर श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू NDTV पे अपना टेलीविजन इंटरव्यू पहली बार देते हुए एज चीफ मिनिस्टर हमारे साथ में है। ये फर्स्ट एवर इंटरव्यू आप NDTV पे देख रहे हैं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत मुबारक हो आपको। धन्यवाद, बहुत बहुत। ये इतना बड़ा संदेश है बाकी दुनिया, बाकी सारी हिंदुस्तान की कॉमन जनता को, जो कि एस्पिरेशन लेके कभी चलती है कि हम अगर किसी बड़े घराने से ना हुए तब भी हम एक चीफ मिनिस्टर की लेवल पर आ सकते हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूँ। राजनीतिक जीवन में जो व्यक्ति होता है उसको कड़ा परिश्रम करना पड़ता है और उसको लक्ष्य भी तय करना पड़ता है। तो राजनीतिक स्वभाव में आ गई, और नेतृत्व करने की क्षमता, चाहे परिवार का नेतृत्व करे, चाहे सोसाइटी का नेतृत्व करे, जब आप नेतृत्व करते हैं तो आपकी कर्म भूमि वैसे आगे बढ़ती जाती है। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस का एक बड़ा बोल्ड मूव है कि आप डायनेस्टी पॉलिटिक्स को एक तरफ करके और एक ग्रास रूट्स लेवल लीडर को इतना बड़ा चांस देंगे, इसके बारे में मुझे आपसे जानना है, आपकी क्या राय है? देखिए, मैं गांधी फैमिली का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, और सोनिया गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का, राहुल गांधी जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि राजीव गांधी जी ने मुझे पहली बार NSOE का स्टेट प्रेसिडेंट बनाया मेरी क्षमता को देखकर। फिर मैं 6 साल स्टेट प्रेसिडेंट रहा। तो संगठन की विचारधारा से जुड़ने के साथ साथ, आपको संगठन के लोगों को साथ ले जाने के साथ साथ, आपको ग्रीडी नहीं होना पड़ता, लालच नहीं राजनीति में करना पड़ता। मुझे कई बार वीरभद्र सिंह जी ने कहा कि आपको चेयरमैन कैबिनेट रैंक बना देते हैं, कई बार CPS बना देते हैं, तो मैं उनका विरोध ही नहीं था, लेकिन मैं सोचता था कि अगर मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ और मैं सरकार में ओहदा ले लूँ, मेरे को अंबिका सोनी जी हमारी जनशक्ति थी, एक बार मुझे फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन बनाने का ऑफर आया विद कैबिनेट रैंक, तो मैंने सोचा कि अगर मैं चीफ मिनिस्टर साहब के अंदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष काम करेगा तो मैं अपने कैडर के साथ कैसे जस्टिफाई कर पाऊंगा जी। तो मैंने वो पद भी नहीं ली। वीरभद्र जी की फैमिली को भी ठीक से देखा जाए तो क्या ये सबको लेके चलने की एक एक मुहिम है, कोशिश है, या फिर हर एक को अपीज करने की कोशिश है, किस नजरिए से देखा जाए? नहीं, मैंने कई बार देखा कि सत्यता परोसा नहीं जाता वास्तविकता को भी कई बार नजरअंदाज करके कुछ और चीज नैरेटिव सेट किया जाता है जी। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, मैंने कभी पॉलिटिक्स अपीजमेंट की, जैसे कि पॉलिटिक्स में होता है, मेरा, मैं PCC प्रेसिडेंट था, वीरभद्र सिंह जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे, हमारे विचारों में भिन्नता होती थी, लेकिन मैं वीरभद्र सिंह जी को भी कन्विंस कर देता था कि आपने ये काम करना है। इस दृष्टिकोण से अगर आप देखोगे तो हिमाचल कांग्रेस में जब ये बोलते थे भारतीय जनता पार्टी, तो आज संगठन से जुड़े हुए लोग आगे आए हैं। और मेरे, आपको एक और मैं बताता हूँ, मैं बड़ी 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 गाड़ियों का शौकीन नहीं हूँ। मैं तो अभी जो समस्या है कि जैसे ही मेरा नाम घोषित हुआ तो मेरे को Z+ सिक्योरिटी मिल गई। मैंने तो 20 साल तक PSO नहीं रखा, और मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया मैं बता रहा हूँ। पहले मैं अल्टो गाड़ी में, कभी कभी अल्टो गाड़ी अपने आप ही चला के चला जाता, गाड़ी है स्कॉर्पियो रखी है, लेकिन अल्टो करता चलता था, तो PSO मेरे साथ होता नहीं, तो मैं खुद ही ड्राइव कर लेता, ड्राइवर भी रखा है, ऐसा नहीं है, पर तब मैं देखता था टी टी करना पड़ता, अब हूँ करके सीधा निकला जा रहा जी। तब मुझे आधा घंटा लगता, ये परिवर्तन अभी मैंने पाया। लेकिन संगठन से निकले व्यक्ति को जिसने जीवन काल देखा हो और पार्टी के लिए समर्पित हो, उसके लिए मैं हमेशा लड़ता रहा। क्या 2024 के जनरल इलेक्शंस में कांग्रेस आपसे एक बबड़ी उम्मीद रखती है? पिछली बार 4 पार्लियामेंट्री सीट्स हिमाचल से कांग्रेस पार्टी हारी थी, आपकी बारी 2024 के इलेक्शन में जिस तरीके से आप उभर के आए हैं और जिस डिस्ट्रिक्ट से आप उभर के आए हैं, क्या आप एक बड़ी भूमिका निभाएंगे? क्या मैं इसको एक यस मानूं या मैं नो मानूं? नहीं, बिल्कुल, हम तो 4 सीटें जीतेंगे, पूरा प्रयास करेंगे जीतने का,
लोगों के दिलों को जीतने का प्रयास करेंगे और मुझे लगता है कि हम उस सफलता को प्राप्त करेंगे। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। NDTV पर अपना पहला इंटरव्यू बतौर चीफ मिनिस्टर देते हुए ये हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। कैमरामैन अशोक महाले के साथ मैं हूं प्रिया बवेजा, NDTV के लिए। उधर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद पर गृह मंत्री अमित शाह ने हम बैठक की। इसमें महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई शामिल हुए। अमित शाह ने जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता कोई भी राज्य इस बारे में एक दूसरे के राज्य पर दावा नहीं करेगा, ऐसा कहा। साथ ही उन्होंने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपील कर कहा कि इसे राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए। जब तक सुप्रीम कोर्ट का इस बारे में निर्णय नहीं आता कोई भी राज्य इसके बारे में एक दूसरे राज्य पर क्लेम या तो डिमांड जनरेट नहीं करेगा। दूसरा, दोनों राज्यों के मिलाकर दोनों ओर से तीन तीन छह मंत्री बैठेंगे और इस पर डिटेल नीचे तक परकोलेशन किस प्रकार से हो इसकी चिंता और चर्चा करेंगे। तवांग में भारत और चीन के सैनिकों की झड़प को लेकर संसद के दोनों सदनों में दूसरे दिन भी हंगामा हुआ। विपक्षी सांसद सीमा पर हुई इस झड़प को लेकर चर्चा की मांग पर अड़े रहे लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं दिखी। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने दोनों सदनों से वॉकआउट कर दिया। तवांग से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हुई झड़प को लेकर संसद के दोनों सदनों में लगातार दूसरे दिन हंगामा होता रहा। लोकसभा राज्यसभा में कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष तवांग में चीन की ओर से यथास्थिति बदलने की कोशिश पर चर्चा की मांग करता रहा मगर सरकार तैयार नहीं हुई। चाइनीज एग्रेशन के बारे में और जो अतिक्रमण हुआ है इसके बारे में हम डिटेल चर्चा इस सदन में चाहते हैं और इसीलिए हम पहले से हमारी कोशिश रही है कि हमको पूरी जानकारी मिले और देश के लोगों को भी जानकारी हो। सर एक भाई इसके खिलाफत नहीं सर, किसके खिलाफत नहीं सर। 1962 में जब इंडो चाइना वार हुई थी जवाहरलाल नेहरू जी ने सदन में बैठते हुए 165 एमपीज को बोलने का मौका दिया और सबको सारे बात ये कहने की मौका देने के बाद ये निर्णय लिया गया कि क्या करना चाहिए। सभा पटल लेकिन सर सभा पटल आप कभी मत भूल जाइए कि हमारे देश में एक पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि जैसे हमारे सांसद के अंदर हमारे सरकार आके बोले जो भी कोई नेशनल सिक्योरिटी वाले मामले में कॉन्फिडेंशियल चीजें भी होती है और पॉलिसी की चीजें भी होती है। पॉलिसी नियम के बारे में बोलने का सरकार चर्चा से क्यों भाग रही है, कह रही कि उसने बयान दे दिया संवेदनशील मुद्दा आएगा। ये एक छोटा सा स्टेटमेंट देना बिना कोई भी क्लैरिफिकेशन, बिना कोई भी जवाब और प्रश्न नहीं सुनना और दूसरों की राय नहीं सुनना, ये तो लोकतंत्र नहीं है। जब सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष की मांग अनसुनी कर दी गई तब कांग्रेस के साथ कई विपक्षी पार्टियों के सदस्यों ने दोनों सदनों से वॉकआउट किया। वहीं सत्ता पक्ष ने दलील दी कि जब इस मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा और राज्यसभा में बयान दे दिया है तो फिर चर्चा का औचित्य नहीं है। इनको सेना पर भरोसा नहीं, शहीदों पर भरोसा नहीं, राष्ट्रीय गान पर भरोसा नहीं, इनको भरोसा है मोदी को गाली देने। ये जिन्ना की कार्बन कॉपी है ये देश को तोड़ने वाले। इस बीच तवांग को लेकर अप्रत्याशित रूप से अमेरिका का बयान आ गया है। उसने इस विवाद के लिए चीन को जिम्मेदार माना है और भारत का साथ देने की बात कही है। DOD continues to closely watch developments along the line of actual control at the India-China border. And we will continue to remain steadfast in our commitment to ensuring the security of our partners. And we fully support India's ongoing efforts to de-escalate this situation. साफ है कि चीन की इस उकसाए वाली कार्रवाई पर अमेरिका सहित दुनिया भर की नजर है। एक तरफ चीन को लेकर आपस में भिड़ते पक्ष विपक्ष, दूसरी तरफ चीन को लेकर अमेरिका का समर्थन,
इससे निश्चय ही भारतीय पक्ष को बल मिला है। लेकिन यह भी ध्यान देना चाहिए कि अमेरिका के लिए उसके हित सबसे ऊपर है। भारत को इस मामले में कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले पूरी सतर्कता बरतने की जरूरत है। नई दिल्ली में अपने सहयोगी कादमनी शर्मा के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। पंजाब में भगवंत मान सरकार लोगों से किए हुए वादों पर कैसे खरी उतर रही है, इसी पर बात करने के लिए एनडीटीवी इंडिया ला रहा है एक विशेष कॉन्क्लेव साड्डा पंजाब इस शनिवार 17 दिसंबर को, जिसमें शामिल होंगे ना सिर्फ पंजाब के मुख्यमंत्री बल्कि पंजाब की जानी मानी शख्सियतें। तो इस 17 दिसंबर को देखना मत भूलिए साड्डा पंजाब, दिन भर एनडीटीवी इंडिया पर।